नमस्कार। आज मैं सांभर बनाने जा रही हूँ। सांभर बनाने के लिए मैंने लिया है तूर दाल। ये 1.5 कप तूर दाल मैंने लिया है। इस कप से मैंने 1.5 कप लिया है। और मैंने लिया है 1/2 स्पून हल्दी, स्वादानुसार नमक। मैंने 2 से 2.5 स्पून सांभर मसाला लिया है। तड़के के लिए मैंने 1 से 1.5 स्पून राई लिया है। 1/2 स्पून मैंने चना दाल लिया है। 1/2 स्पून मैंने उड़द दाल लिया है। ये थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा इमली। और जो सब्जियां मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने 1/2 लौकी लिया है। आप कद्दू भी ले सकते हैं सांभर में डालने के लिए। मैंने 2 ड्रमस्टिक लिया है, जिसको सहजन भी बोलते हैं। मैंने 1 गाजर लिया है, 1 टमाटर लिया, लहसुन यूज़ करूँगी, और 1 मैंने प्याज लिया है। मैंने 1 भगोने में पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। पानी ये गर्म हो गया है। मैं कुकर यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं भगोने में बना रही हूँ। अगर आप कुकर में बनाते हैं तो आप ये कुकर में ही बना सकते हैं। पानी मेरा बॉयल हो रहा है, इसमें मैं दाल डाल दे रही हूँ। इस पे एक बॉईल आने देंगे। जब तक दाल में एक उबाल आता है, तब तक हम इमली को भिगो लेंगे और सब्जियों को काट लेंगे। इमली में मैंने पानी डाल के रख दिया है। अभी सब्जियों को काट लेते हैं। सब्जियों को मैंने काट लिया है। मैंने लौकी को बहुत छोटा नहीं किया, बड़ा बड़ा ही रखा है, क्योंकि ये बॉईल होता है दाल के साथ, तो बहुत छोटा रहेगा तो एकदम उसी में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसको मैंने बड़ा बड़ा रखा है। वैसे ही मैंने गाजर को भी थोड़ा बड़ा रखा है, और ड्रमस्टिक को मैंने इतना बड़ा बड़ा काटा है। और टमाटर मैं थोड़ा बाद में डालूंगी, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, कुक हो जाता है, तो इसको बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मैं करी पत्ता भी डालूंगी दाल में। और ये मैंने प्याज और लहसुन काट लिया है, इसको मैं तड़के में डालूंगी। दाल में बॉयल आने लगा है, इसमें ऊपर से ये घास जैसा होता है कुछ, इसको क्लीन कर लेंगे। और इसमें अब मैं सॉल्ट डाल दे रही हूँ। हल्दी, और इसी साथ में मैं सब्जियां भी डाल रही हूँ। लौकी, गाजर, ड्रमस्टिक और करी पत्ता थोड़ा सा। बस अब इसको हम बॉईल आने देंगे, और उसके बाद इसको ढक के इतना इसका फ्लेम रखेंगे कि ये गिरे नहीं और बॉईल भी होता रहे। सांभर ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं अभी इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ, और इसको भी धीमी आंच पे मैं ढक के रख दूंगी। तब तक तड़का तैयार कर लेते हैं इसका। मैंने 1 पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं राई और चना और उड़द दाल डाल दे रही हूँ। एक बार ये चटकने लगे, ये चटकने लगा है, इसमें मैं प्याज और गार्लिक डाल दे रही हूँ, करी पत्ता। इसको कुक कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये हो गया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। और इसमें टमाटर भी कुक हो चुका है। अभी मैं इसमें सांभर मसाला डाल दे रही हूँ।
वैसे इमली तो डाल ही रहे हैं खट्टे के लिए, मैंने टमाटर जस्ट कलर के लिए डाला है, और मैंने इमली का मैश करके उसका पानी निकाल लिया है, इसका पानी भी इसमें मिक्स कर देंगे, और बस अब इसको एक बार मिक्स कर देंगे। और अभी ही इसमें मैं तड़का भी मिला दे रही हूँ, और बस सांभर रेडी हो गया। अभी मैं पूरा तड़का भी डाल देंगे इसमें, और सांभर तैयार है, इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। आंच को बंद कर देंगे, ये देखिए सांभर बिल्कुल तैयार है, और इसको मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, और ये देखिए आप इसको इडली के साथ, वड़े के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। तो इसको प्लीज़ बनाना ट्राई करिए, अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।